नमस्कार सभी साथियों को, राम राम। हाय हेलो, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, दो तीन दिन से जो है अग्निवीर की, जैसा आपको पता है कि हमारे नज़दीकी सारकेंट में जो है वो भर्ती चली हुई है, उसकी अपडेट जो है मैं आपके सामने लेके आ रहा था, क्योंकि ये भी अग्निवीर वाले भी बच्चे का जो है एक बड़ी भर्ती जो है सरकार ने ली, इस पर भी काफ़ी विवाद हुआ था। तो दो दिन वहाँ बिजी होने के कारण जो है हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग जो है मैंने अपडेट आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दी थी। तो आज दोस्तों फिर से जो है एक बड़ी अपडेट जो है हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग, हरियाणा पुलिस के जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके लिए कह सकते हैं हम, एक जो है अच्छी न्यूज़ जो है आज अखबार के थ्रू हमें मिली है, और ये चेयरमैन साहब ने खुद कहा है। तो जिस चीज़ का काफ़ी स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे उसका जो है आज सोल्यूशन हुआ है कुछ, जिस स्टूडेंट ने मेहनत की थी जगह जगह जाके, अभी भी स्टूडेंट जो है लगे हुए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है ज्वाइनिंग को रिगार्डिंग। तो आज दोस्तों खबर आई है, चेयरमैन साहब का बयान है, हरियाणा पुलिस में लगे नॉर्मलाइजेशन की पूरी जानकारी कोर्ट को दे दी गई है, 17 को स्टे हट सकता है। अब दोस्तों जो मतलब ऑफिशियल डाटा HSSC कोर्ट में प्रोवाइड नहीं कर रहा था, और स्टूडेंट्स जगह जगह MLA मंत्री जितने भी है स्टूडेंट्स ने जाके प्रेशर बना के जो है HSSC के ऊपर जो है प्रेशर बनाया, और चेयरमैन साहब ने जो है अब जो है बयान जो दिया है कि हमने नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कोर्ट में जमा करा दिया है पूरी डिटेल। तो अब चलते हैं दोस्तों डिटेल न्यूज पर। तो आप जैसा स्क्रीन पर देख सकते हो, ये दोस्तों वो डिटेल न्यूज जिसके बात मैं कर रहा हूँ अभी। ये क्वेश्चन जो है, और दैनिक सवेरा की लगभग ऑफिशियल न्यूज होती है जो कुछ भी वो डालते हैं, तो यहाँ पर देख लो ये क्वेश्चन जो उन्होंने किया था कि सिपाही पदों की ज्वाइनिंग पर भी रोक लगी हुई है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले में कोई कमी रह गई थी, तो आयोग ने देखो चेयरमैन साहब ने क्या कहा, आयोग ने हाई कोर्ट में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले की पूरी जानकारी दे दी है। मतलब जो ऑफिशियल डाटा उन्होंने मांगा था 50 या 10 बच्चों का, वो HSSC ने प्रोवाइड करवा दिया है। अभी इसमें सभी तरीके से और सभी प्रकार से होने वाले प्रभाव की जानकारी शामिल है, मतलब हर एक स्टेप इसमें जो है कोर्ट को प्रोवाइड किया, किस तरह हमने नॉर्मलाइजेशन किया, कि किस तरह जो है इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला जो है यहाँ पर लगाया है, किस किसके कितने मार्क्स बढ़े हैं, किसके मार्क्स जो हैं कम हुए हैं, या एक दो जिसके बड़े हैं, तो मतलब जानकारी ये पूरी जो डिटेल थी, एनालिसिस थी जो ये डिटेल फॉर्मूले की, वो हाई कोर्ट के वो जमा करवा दी गई है। इसमें हाई कोर्ट को पूरी जानकारी मिल जाएगी। भाई चेयरमैन साहब ने कहा अब कोई जो है हाई कोर्ट को कोई भी जो जानकारी है वो इस फॉर्मूले में मिल जाएगी, मतलब अब अलग से कुछ आयोग को देने की जरूरत नहीं, ये सारा डाटा जो है सभी डाटा का निचोड़ रिजल्ट का इसमें दे दिया गया है। उसके बाद उम्मीद है कि हाई कोर्ट आयोग के जवाब से संतुष्ट हो जाएगा, यही उम्मीद तो सभी को है कि अब जो काम था HSSC ने बहुत बढ़िया काम किया है, जो डाटा था वो कोर्ट में जमा कराकर। सुप्रीम कोर्ट में भी नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले पर उत्तर प्रदेश मामले में स्पष्ट मत दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर चेयरमैन साहब सो रहे हैं कि जो उन्होंने फॉर्मूला लगाया है वो बेस्ट है, और आगे भी इसी भर्ती जो भी भर्ती आएंगी CET वगैरह की, 4 शिफ्ट में होगा या 6 शिफ्ट में, तो उसमें भी ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी जो है एक न्यूज़ है हरियाणा पुलिस के सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए, मेल कॉन्स्टेबल, फीमेल कॉन्स्टेबल, और दुर्गा शक्ति जिसकी ज्वाइनिंग फीमेल कॉन्स्टेबल के जो है ज्वाइनिंग ना होने के कारण उनकी भी ज्वाइनिंग रुकी हुई है, तो सभी के लिए जो है दोस्तों एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और आज कुछ साथी गए हुए हैं CM से मिलने, वहाँ भी जो है मिल के आएंगे, और भी सभी साथी अपने अपने MLA मंत्री से मिलना जारी रहेगा, ये सभी साथियों ने अब ठान लिया है, यूनिटी में सभी साथी साथ आ गए हैं, और आप सभी को पता है कि यूनिटी के बिना कुछ भी काम पूरा नहीं हो सकता, तो यूनिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप सभी ने यूनिटी दिखाई है पिछले कुछ दिनों में, अगर हम पहले भी दिखा देते तो पहला ही मामला हल हो जाता, लेकिन जो है अंत भला तो सब भला, तो सभी लास्ट में इकट्ठे हुए हैं, तो उसका परिणाम 17 को कुछ ना कुछ हमें ज़रूर मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों ये अपडेट आपके लेके आया था, अगर आपको अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।